प्यार के बारे में क्या सोचते हो? प्यार बेटा अगर बदल बदल के किया जाए तो प्यार है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अवर व्लॉग्स। ये बोलना भूल जाता हूँ बार बार। नाश्ते के लिए लेट हो गए ऑलरेडी, और हम शूट भी करना है तो मैंने ये ट्राइपॉड ले लिया है क्योंकि मुझे अलग अलग शॉट लेने जिसमें मुझे इंसान को गायब करना है, तो ये शॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक भैया का शॉट लेता हूँ। भैया भैया इधर तो एक वीडियो में एक्टिंग करोगे? हाँ। ठीक है ठीक है, चलो आया, एक मिनट रुक जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट गाइस। हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है। ब्लॉग का नाम है आशीष नताशा ब्लॉग्स। यहाँ पे हमने एनर्जी के साथ चला चला के बोलना इसलिए ताकि आपको लगे कि हम के अंदर बहुत एनर्जी है। हम बॉर्बिटा खा के ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि अगर मैं लेजी होकर बनाऊंगा तो आप बोलोगे क्या थका हुआ इंसान है। इसलिए तो गाइस हमने गाइस बोलना बहुत जरूरी है। तो गाइस हमने गाइज हमने आज पूरा दिन बहुत सारा शूट किया। कल वैलेंटाइन डे है तो सब कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे से पहले प्यार मोहब्बत में तड़पे हुए या फिर हंसी मजाक वाली वीडियो डाल लेंगे तो आप लोग हंसोगे और लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो सबके वीडियो बन चुके हैं, सबकी एडिटिंग चल रही है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है वैलेंटाइन के बारे में। वैलेंटाइन बड़े हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बच्चे से पूछेंगे, बाद में बड़े से पूछेंगे। मन क्या वैलेंटाइन डे प्यार का दिन क्या सोचती हो आप इसके बारे में? मेरी जिंदगी से प्यार खत्म हो गया। उसके बाद ऐसे सोचते हैं, मेरा सोचना बंद कर दिया है। मुझे लोगों को हंसाना है, मुझे एक शब्द में प्यार को डिस्क्राइब करोगे तो? चलो मनके के पास कोई जवाब नहीं है, इसके सारे शब्द और मर चुके हैं। आलिया, प्यार के बारे में आपका क्या सोचना है? मेरा प्यार मेरी माँ है, बस माँ का प्यार ही सच्चा है ना आंटी? एक प्यार तेरा सच्चा और झूठे हैं दिखावे के। मेरा भाई तू। नाउ नताशा स्टर्न। नताशा, वैलेंटाइन डे प्यार का दिन, क्या सोचते हो प्यार के बारे में? कुछ नहीं होता है? ऐसे घुसा मारूंगा ना पीठ के सारे पेट उठ जाएंगे। अभी अभी मम्मी, अच्छा मम्मी, जिस टाइम पे तुम लोग स्कूल में जाते थे तो उस टाइम कभी होता था ऐसा वैलेंटाइन डे, रोज डे? कुछ नहीं होता था उस टाइम। मम्मी मुझे बात बता, जब तू छोटे थे ना, 15-16 साल में कौन पसंद आएगा? जब तू यंग थी 15-16 साल की, तो ऐसा कोई था कि जो लड़का ऐसे लाइन मारता हो स्कूल जाते टाइम? अरे उतना होश ही कहाँ था, हमको भगा भगा के स्कूल भेजते थे, भगा भगा के घर टाइम होता था, खेतों में वो कर पाते थे काम। प्यार प्यार के बारे में मास्टर मारता था, घर में मामा मारते थे। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता था पहले, तो प्यार कहीं मिला ही नहीं। प्यार के बारे में, प्यार के बारे में क्या बोलना चाहोगे? प्यार के बारे में हमारे जमाने में कुछ नहीं था, अभी आज के जमाने में है तो चलता है। मम्मी के पास जवाब ज्यादा नहीं है। पापा, प्यार के बारे में क्या सोचते हो? प्यार बेटा अगर बदल बदल के किया जाए तो प्यार है। नहीं तो प्रॉब्लम। आपने बनाया अपने जवानी में वैलेंटाइन डे? नहीं बता नहीं सकता बेटा, बुढ़ापे में है, कुछ जिंदगी खराब ना हो जाए बुढ़ापे। तो पापा कह रहे हैं उस लड़की के बारे में बता नहीं सकते। बेलन डे बन जाएगा। तो प्यार से सब डर रहे हैं, कोई भी बताना नहीं चाह रहा अपने प्यार के बारे में, सब डरे हुए हैं, तो इसलिए अब ज्यादा नहीं पूछते। दो लोग और हैं जिनसे हम प्यार के बारे में पूछेंगे। तो मैं और आलिया आए हैं, दोनों हम दोनों सबसे छुप के आए हैं शॉपिंग करने, क्योंकि हमें सब ना कोई खरीदने नहीं देता है, सब बोलते हैं कि हाँ फालतू खर्चा, हमें फालतू खर्चा करना पसंद है। स्पेशली यहाँ पे कोई मॉल वॉल नहीं है तो जो भी स्ट्रीट शॉपिंग है, वी आर ट्राइंग टू ग्रैब दैट एंड वी जस्ट सी लव इट। Yes, तो हमने दो शॉल लिए हैं ब्लैक कलर के पहले। अरे इट्स अमेजिंग, वी विल डेफिनेटली शो यू, मतलब हम वो स्टाइल करके आपको बताएंगे कि हमने कैसा लिया है। बस हम बेटर हमारा बेवकूफ नहीं बने, बट या बाकी भी लव द जैकेट। यस, जैकेट कम शॉल, हाँ मतलब एज अ टॉप भी यूज हो जाता है वो। आज वैसे इतनी ठंड नहीं है तो आज हम दोनों बैठे हैं ऐसे वो पहन के नीचे खाना खाने। हाय, तो मुझे एक सीक्रेट बताना है। मैंने अभी जिस नताशा को देखा वो फ्लावर्स ले रही थी बिकॉज इट्स वैलेंटाइन एंड आशीष को वो सरप्राइज करे। हाउ स्वीट ऑफ हर, मतलब बीइंग अ गर्ल लाइक मेरे पे आए तो आई एक्सपेक्ट कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा जो भी है वो मुझे फ्लावर्स दे, बट इट्स सो क्यूट ऑफ नताशा कि वो फ्लावर दे रही आशीष को। नताशा क्या करिए? फ्लावर्स ले रही हूँ। मुझे था ऐसा क्या, देखो लड़के हमेशा सरप्राइज करते हैं तो क्यों ना लड़कियाँ भी करें, बट आई फील लड़कों को करना चाहिए।
वेस्ट हो जाएंगे मैंने वो लाइफ के। मैंने सोचा कि मैं भी कर ही देती हूँ, मेरे मम्मी पापा देख रहे होंगे। तुम क्या सिंगल लोग देख रहे हो मेरी तरह, छोड़ो ये ले पकड़। सो गाइस मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ व्लॉग में। मैंने आधे घंटे तक बोला और पता लगा कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। अभी रिकॉर्ड किया हुआ देखिए जरा। हाँ तो अभी रिकॉर्ड कर दे क्योंकि मैं ना बैक कैमरा पे शूट कर रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा। अब मैं इतना बोलने के बाद मैंने इतना टाइम वेस्ट किया और इस लड़की की वजह से मुझे राशि को सैलरी का व्यूज बढ़ाओ, पैसा नहीं आ रहा ब्लॉग चैनल 50 रुपए। आपके प्यार मोहब्बत से मेरे इस चैनल पे मोनेटाइजेशन शुरू हो चुकी है। पार्टी पार्टी चेंज हो गई है, चिकन पार्टी वहाँ पे चिकन पार्टी देखो हो रही, बहुत गंभीर विषय पे विषय पे बात चल रही है। एक भिंडी पार्टी है और ये सब वेजिटेरियन पार्टी वेज पार्टी और ये वेज पार्टी और मैं हूँ नॉन वेज पार्टी। तो गाइस मुझे कुछ सवाल पूछने हैं तो मैंने सबसे सवाल पूछा, मैं तेरे सवाल पूछ रहा हूँ। आदिल व्हाट इज लव? प्यार। धोखा है? प्यार दोस्ती। आलिया अगर उम्मीद प्यार से माँ का प्यार सच्चा है। कृतिका My dog कर दिया इसने। चल आदिल आदिल बता भाई, बहुत लड़कियां पूछ रही हैं कि आदिल सिंगल है सिंगल है सिंगल है, कब बनाएगा आदिल गर्लफ्रेंड? एनी आइडिया? सलमान खान के घर कोई सिंगल रहेगा क्या 50 साल तक? अपने को तो कोई भी चलेगी, बस शूट होनी चाहिए। आलिया तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना है सिंगल रहोगी जिंदगी भर? भाई शादी की उम्र हो रही है। ये वैसे ही बहुत करोड़पति है, पता नहीं कितना पैसा खा गए होंगे इसका, बट वेरी बैड जिसने भी किया वो गलत किया। आदिल व्हाट अबाउट यू? मुझे क्या पता, तेरी गर्लफ्रेंड ने तेरे को नहीं लूटा नहीं क्या? मेरी गर्लफ्रेंड पहले से मैं तो तेरे से पूछ रहा हूँ तूने नताशा को कैसे पटाया, तो वो ट्रिक मुझे बता दे। मैं तुम्हें कैसे पटाया? राजमा चावल। मम्मी ने ना एक बार सबसे पहले ना एक बार मम्मी ने एक रिंग बनाई थी जो कछुए वाली रिंग थी। तो कछुए वाली रिंग ना ट्रेंड में चली थी। ट्रेंड में थी कछुए वाली रिंग। अच्छा। उसकी कहानी मम्मी से पूछ क्या थी वो, क्यों बनाई, किसने बनाई? सबने बनाई थी, मैंने भी बना ली। तो कहते थे कि ना कछुए की अंगूठी इसलिए बनाते थे कि घर में पैसा आए, लेकिन ना उस कछुए के सोने की अंगूठी बनाने के लिए पैसा लग गया उल्टा, पैसा कुछ नहीं आया। मम्मी तेरी बोली है ना कि मम्मी को कोई भी कुछ भी बोलता है ना तो मानने लगते। एक बार ना लाल किताब करके कोई तो बाबा जी थे, कौन थे वो तो अंधविश्वास है। हाँ तो वही अंधविश्वास, तो उन्होंने बोला कि ना लॉकर में 10 की गड्डी रख दो काला पर्स ले। मम्मी काला पर्स लेने गई। मैंने लाई झूठी लॉकर में 10-10 की गड्डी तो रहती थी लॉकर में, मगर लाल काला इसको सपोर्ट किया पापा ने। डिनर पे आपको पापा नहीं मिलेंगे क्योंकि पापा इतना खा चुके हैं इतने दिनों से, तो अब हम शाम को सूप पिला के सुला देते हैं मम्मी में। कंट्रोल नहीं होता, पड़ा रहेगा। अरे क्यों लिखा तुमने, बेच चला जाएगा, खा लेंगे उसको जबरदस्त। मैंने कहा तुम नीचे ही मत आओ, जबरदस्ती खा लेते हैं। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। सूप पी लेना, मम्मी ने पापा को कंट्रोल करके रखा है, खाना लेट खाया था। तो देखो आदिल और आलिया कैसे पीछे बैठे हुए व्लॉग में कटी दिख रहे हो। आज की बहुत सारी बात हुई और प्यार के बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ कि प्यार की अलग अलग परिभाषा है। जैसे पापा ने अच्छा तुम्हारे लिए क्या है? जिसने जैसा फील किया उसने वैसा ही इसके लिए वैसा है। जैसे कि किसी ने प्यार को अच्छे से फील किया तो बोलता है कि प्यार एक बहुत अच्छी फीलिंग है। खड़ी आंसर यार, हर एक इंसान जीता है रिस्पेक्ट के लिए जीता है, प्यार के लिए जीता है। उसे अगर नहीं मिलेगा तो बेचारा परेशान रहता है, और अगर प्यार मिलता तो कोई प्यार की परिभाषा क्या है? नहीं एक्चुअली लोगों ने प्यार मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं किया हुआ, लेकिन प्यार में अलग अलग डिफरेंट, बच्चों का प्यार अलग है, माँ बाप का प्यार अलग है, फ्रेंड्स का प्यार अलग होता है, फैंस का प्यार अलग होता है, सब्सक्राइबर्स का, हेटर्स का प्यार अलग होता है। हेटर्स का प्यार थोड़ा, हेटर्स की तो नफरत होती है। नहीं वो बहुत प्यार से नफरत करते हैं, उनकी नफरत में भी एक जज्बात होते हैं, पैशन होता है कि मार देंगे इनको, मार देंगे इनको। बट ठीक है नफरत मत करो, सिर्फ प्यार फैलाओ। वैलेंटाइन वीक प्यार का हफ्ता है, प्यार ही प्यार फैलाओ। तो कल का क्या प्लान है तेरा? कल का प्लान है शूट करेंगे, सुबह नाश्ता करेंगे, शूट करेंगे, शायद से घूमने जाएंगे हम। और रात को आपको प्लान किया हुआ है घूमने का, अगर टाइम मिलेगा तो कल हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। ट्रैकिंग पे तो जा रहे हैं, ट्रैकिंग से आने के बाद मम्मी पापा और मेरे नाक से ब्लड निकला, तो उसका रीज़न क्या है? अच्छा एक चीज़ हो रहा है कि बहुत ठंड में क्या नाक से ब्लीडिंग होती है, मतलब मुझे कुछ पता नहीं है, बट मन गया कि मम्मी के पापा के नाक से ब्लीडिंग हुई है, तो सब ठंड से हुई है, तो
तो अगर ठंडी रीजन है तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। अगर ठंड रीजन नहीं है तो फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर को जाना है। ओके भाई, इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं। ठंड मेरे को लगता है, ठंड लगता है, बातें वैलेंटाइन की, प्यार की बातें, सबने प्यार के बारे में बताया। पापा ने बोला, आप बताओ किसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, और बताओ अपनी प्यार की स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपके पास कोई ऐसी फनी स्टोरी है आपके प्यार में जो हुई हो, प्लीज़ बताओ, मैं वीडियो बनाऊंगा उसको। थैंक यू।